हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपके लिए अपडेट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, तो बने रहिए स्टूडियो में मेरे साथ। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी डिवीजन की तरफ से 513 वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टीजमेंट नंबर अपन स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो ये 513 वैकेंसियां निकाली गई हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सोनल की कैटेगरी की वैकेंसियां हैं और इन सभी 513 वैकेंसियों पे जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनका जो पे स्केल रहेगा वो 25,000 रुपए से लेकर 1,05,000 रुपए के बीच में रहेगा। यानी सिलेक्टेड कैंडिडेट की इनिशियली जो बेसिक पे है वो 25,000 रुपए है और बाकी के सारे अलाउंसेस मिलाकर जो कैंडिडेट को एक्चुअल सैलरी मिलेगी वो लगभग 40,000 रुपए महीना मिलेगी। यहाँ दोस्तों, इन सभी 513 वैकेंसियों को अलग अलग पोस्ट वाइज बांटा हुआ है जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी पोस्ट के लिए किस रिफाइनरी में किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसियां रिजर्व रखी गई हैं। अब यहां पे आगे बात करते हैं आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बाकी की पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहली कैटेगरी में जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए। इस पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट का पोस्ट कोड रखा गया है वो 201 रखा गया है। बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो केमिकल में, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर कैंडिडेट ने बीएससी कर रखी हो और बीएससी में कैंडिडेट ने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रखे हो और कैंडिडेट के डिग्री के दौरान 50% नंबर कम से कम आए हों अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है जनरल और ओबीसी कैटेगरी से और 45% नंबर आए हों अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है एससी एसटी कैटेगरी से। साथ ही यहां कैंडिडेट को पोस्ट क्वालिफिकेशन कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहां जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन की सभी वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी कैटेगरी में वैकेंसियां हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पीएनयू के लिए। इस कैटेगरी के लिए जो पोस्ट कोड रखा गया है वो 202 रखा गया है। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और साथ ही कैंडिडेट के पास यहाँ पे बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास हो और डिप्लोमा के बाद कैंडिडेट को 1 साल का कम से कम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है और अगर यहाँ सफिशियंट नंबर इन कैंडिडेट्स का नहीं मिलता जिनके पास डिप्लोमा है, ऐसी कंडीशन में वो सभी कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे जिन्होंने मैट्रिक कर रखी है, मैट्रिक के बाद कैंडिडेट ने आईटीआई कर रखी है पीटर ट्रेड से विद बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट फर्स्ट या सेकेंड क्लास, या फिर कैंडिडेट ने बीएससी पीसीएम से कर रखी है और कैंडिडेट के पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है बॉयलर ट्रेड से, या फिर कैंडिडेट ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से और डिप्लोमा के दौरान कैंडिडेट के 50% नंबर एग्रीगेट आए हैं अगर वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और 45% नंबर कैंडिडेट के एग्रीगेट आए हैं अगर वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो बात करें यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो सभी कैंडिडेट जो पोजेस करते हैं डिप्लोमा या फिर मैट्रिक के बाद कैंडिडेट ने आईटीआई कर रखी है फिटर ट्रेड से और कैंडिडेट के पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है या फिर कैंडिडेट ने बीएससी कर रखी है और उसके पास बॉयलर अप्रेंटिसशिप है तो उनको कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है और अगर सिर्फ कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है तो ऐसे कैंडिडेट को जो है वो 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड है। तो जो भी कैंडिडेट इस सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं वो यहाँ इन सभी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पीएनयू की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरी कैटेगरी में वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पीएनयू या फिर ONM की वैकेंसियां। तो इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने कम से कम 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, कैंडिडेट के डिप्लोमा के दौरान 50% नंबर एग्रीगेट आए हो अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है जनरल और ओबीसी कैटेगरी से और कैंडिडेट के 45% नंबर कम से कम आए हो अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से और यहां भी पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का कंसर्न फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं वो यहां इस कैटेगरी की सभी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। चौथी कैटेगरी में वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, डिप्लोमा के दौरान कैंडिडेट के 50% नंबर एग्रीगेट आए हों अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है जनरल या ओबीसी कैटेगरी से और 45% नंबर मिनिमम आए हों अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। इस पोस्ट के लिए भी 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो कंसर्न फील्ड का मांगा गया है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं वो यहाँ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। पांचवी कैटेगरी में वैकेंसियां है जूनियर
ईयर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, और कैंडिडेट के डिप्लोमा के दौरान 50% नंबर एग्रीगेट आए हों, अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है जनरल या ओबीसी कैटेगरी से, और 45% नंबर एग्रीगेट आए हों, अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। इस पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट से कंसर्न फील्ड का 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। छठी कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की। इस पोस्ट के लिए जो पोस्ट कोड रखा गया है वो 206 रखा गया है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने बीएससी कर रखी हो, बीएससी में कैंडिडेट ने फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा हो, कैंडिडेट के बीएससी के दौरान 50% नंबर एग्रीगेट आए हो, अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है जनरल ओबीसी कैटेगरी से, और 45% नंबर एग्रीगेट आए हो, अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। साथ ही यहां कैंडिडेट को 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है कंसर्न फील्ड का, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहां इस कैटेगरी की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सातवीं कैटेगरी में वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी के लिए। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने मैट्रिक कर रखी है, प्लस में कैंडिडेट ने सब ऑफिसर का कोर्स कर रखा है फ्रॉम एनएफएससी नागपुर, या उसके इक्विवेलेंट कैंडिडेट ने कोई भी कोर्स कर रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और कैंडिडेट के पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है। साथ ही यहाँ कैंडिडेट की कम से कम हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 86 सेंटीमीटर है, मिनिमम वजन जो है वो 50 किलो है, और कैंडिडेट को 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी की सभी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आठवीं कैटेगरी में वैकेंसी है जूनियर मटेरियल असिस्टेंट या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। इस पोस्ट के लिए जो पोस्ट कोड रखा गया है वो 210 रखा गया है। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, और कैंडिडेट के डिप्लोमा के दौरान 50% नंबर एग्रीगेट आए हों, अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है जनरल या ओबीसी कैटेगरी से, और 45% नंबर एग्रीगेट आए हों, अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। साथ ही यहां कैंडिडेट से 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं वो यहां जूनियर मटेरियल असिस्टेंट या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की इस कैटेगरी की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे लास्ट 9वीं कैटेगरी में वैकेंसी है जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। इस पोस्ट के लिए जो पोस्ट कोड रखा गया है वो 211 रखा गया है। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 4 साल की बीएससी नर्सिंग कर रखी है, या फिर कैंडिडेट के पास 3 साल का डिप्लोमा है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का, या फिर गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स का, और कैंडिडेट के इस डिप्लोमा के दौरान कम से कम 50% नंबर एग्रीगेट आए हों, अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है जनरल या ओबीसी कैटेगरी से, और 45% नंबर कम से कम आए हों, अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है एससी एसटी कैटेगरी से। साथ ही यहां कैंडिडेट को पोस्ट क्वालिफिकेशन कम से कम 1 साल का कंसर्न फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहां जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट की एज लिमिट के बारे में। इन सभी वैकेंसियों पे 18 से 26 साल तक के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और यहाँ जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 30 सितंबर 2021 रखी गई है। इसी तारीख के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की एज लिमिट यहाँ पे चेक की जाएगी, और यहाँ जो कैंडिडेट के एज प्रूफ के तौर पे जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे उसमें कैंडिडेट का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट ही एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ एज प्रूफ। और उसके अलावा इन्होंने यहाँ अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी बताया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को यहाँ अपर एज लिमिट में 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को उनकी सर्विस पीरियड को हटाने के बाद अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इन सभी इस वैकेंसियों पे कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस जो चेक किया जाएगा वो 30 सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट प्लस में कैंडिडेट का स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा एज पर द नेचर ऑफ जॉब। और आपका जो ये स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल टेस्ट होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के टेस्ट होंगे, यानी इनके लिए कोई भी नंबर असाइन नहीं किए हैं। कैंडिडेट को रिटन टेस्ट में कम से कम 40% नंबर स्कोर करने होंगे रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, और आगे की स्टेजेस के एग्जाम के लिए खुद को क्वालिफाई कराने के लिए। तो यहाँ इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का जो फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा वो इसी रिटन टेस्ट के नंबर के बेसिस पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और इसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे यहाँ फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इन सभी वैकेंसियों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म 21 सितंबर 2021 से शुरू हो चुके हैं और आप 12 अक्टूबर 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो।
और कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, साथ ही सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट कंसर्न अथॉरिटी, जिस भी रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस अथॉरिटी को भेजने हैं थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट। और ये डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 23/10/2021 रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 150 रुपए रखी गई है। और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ फीस से एग्जेम्प्ट रखा गया है, यानी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी फीस पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।